कोटा में तैनात हेड कांस्टेबल की बीमारी के बाद हुई मौत। काफी समय से हेड कांस्टेबल अजय पाल सिंह चल रहा था बीमार। बागपत के अहेड़ा गांव का है निवासी हेड कांस्टेबल अजय प्रताप सिंह हाल ही में छुट्टी लेकर घर वापस आया था। हेड कांस्टेबल तबीयत खराब होने पर बागपत के सर्वोदय हॉस्पिटल में कराया गया था भर्ती। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिवार के 5 अन्य लोग भी कर रहे हैं पुलिस विभाग में ड्यूटी। बागपत कोतवाली क्षेत्र के अहेड़ा गांव का है निवासी मृतक हेड कांस्टेबल। मेरा नाम धर्मपाल सिंह। धर्मपाल जी, दीवान जी की डेथ ये कैसे हुई है, क्या मामला है? ये काफ़ी पिछले 2-2.5 साल से जो है बीमार चल रहे थे, तो रेगुलर इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। फिर बीच में जो है 6-7 महीने ठीक रहे, तो अभी पिछले करीब 2-2.5 महीने से फिर प्रॉब्लम आई इनको। तो इनको जो पहले तो यहीं पर जो लोकल में ही दिखाते रहे, लेकिन जब सीरियस हुआ मैटर तो मेट्रो हॉस्पिटल लाल कुर्ती मेरठ में इसको एडमिट किया। वहाँ से करीब 10 दिन एडमिट रहे, वहाँ से काफ़ी रिलैक्स इनको जो महसूस हुआ। वहाँ से डिस्चार्ज होके अभी 3 दिन पहले आए हैं घर पे, नॉर्मल थे एकदम। लेकिन आज सुबह जो है अचानक इनको वोमिटिंग हुई ब्लड की, तो इनको लेके जो है ये कौन सा हॉस्पिटल है, सर्वोदय हॉस्पिटल लेके गए। तो वहाँ पे जाने के बाद में जो डॉक्टर ने उनको जो डेड घोषित कर दिया। किस जगह पोस्टिंग थे और कितने समय से नौकरी कर रहे हैं? ये 88 बैच के भर्ती हैं, 1988, और इनकी फ़िलहाल में जो पोस्टिंग थी अजयपुर पुलिस चौकी अंडर दादरी कोतवाली, और इनकी अभी जो है एज 52 एज हो चुकी है, और 8 साल इनकी अभी सर्विस बाकी थी। कोई और भी परिवार से पुलिस में है? हाँ, मैं खुद SI से रिटायरमेंट हूँ, CISF से, और मेरा बड़ा बेटा है वो UP पुलिस में नोएडा में तैनात है। मेरा एक और भतीजा है वो भी जो है कमिश्नरेट में जो है ड्यूटी कर रहा है। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, दीवान जी की डेथ हुई है, कैसे डेथ हुई है और कहाँ पोस्टिंग थी? ये बीमार थे जी, दादरी थाने में अजयपुर चौकी पे इनकी ड्यूटी थी, और अब ये वहाँ से मतलब छुट्टी लेकर आए थे 10 दिन की, आगे यहाँ ये भर्ती होगी मेरठ मेट्रो में, उसके बाद ये डिस्चार्ज होकर आए घर पे ही। मतलब इनका इलाज चल रहा था, उनका अंडर ही चल रहा था मेट्रो वाला के, तो उसके बाद अब सुबह इन्हें उल्टी होने के बाद ये एक्सपायर अचानक।